मिठू जी सीताराम। हाँ मिठू सीताराम सीताराम। अरे सीताराम ये सब दर्शन ही कहे, दर्शन करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, सब दर्शन करने आए, सीताराम सुनने आए हैं। सीताराम हाँ बोल दे। सीताराम मिठू सीताराम मिठू। हाँ हाँ सीताराम मिठू सीता। हाँ मिठू सीताराम ये बोलता है मिठू जपो जपो सीताराम। अच्छा जपो जपो सीताराम जपो जपो। अरे मिठू सीताराम जपो जपो। सीताराम जपो 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 सीताराम। चलो चलो खुला खुला चलो खुला सीताराम। लाए संतरा दिया खा रहे थोड़ी। उठा के कहाँ ले जा रहे महाराज? कटोरी में रखने जा रहे हैं। तेरी और पता है वो जो दाना है ना पापा भिगा के खाता है पता है? सीताराम भिगाता है पानी से फिर मुंह में रखता है फिर खोदता है थोड़ा फिर चाटता है। सीताराम वो इसी तरह कटोरी में रखता है ये पानी वाले कटोरी में भिगाया उसको फिर मुंह में रख काट काट के खा रहा था। हाँ बीज नहीं खाएगा वो बीज वाली चाहिए। देखिए अमरूद हुआ तो अमरूद का खलका फेंक देगा बीज उसका खाएगा। मिर्चा दो मिर्चा का बीज खाएगा। सीताराम बस गया तुम्हारे मुंह चले चले जी बेटा चले यार एक बार और बुलवा देना सीताराम। सीताराम मिठू सीताराम भगवान का जाप करते रहते हैं हमेशा जाप। वो आप सबको सिखा था आप लोग जपो जबान इसकी पूरी निकाल मेरे से जपो 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 मेरे से ले लो सीताराम। अच्छा बीज खा गया देखो उसके उसी में दे दो चलो चलते हैं फिर वो जाना भी है वहाँ 10 मिनट वहाँ कैंप में जाना पड़ेगा। आपके बाबा तब से अच्छी जगह आ गए अब कहीं नहीं जाना अब कहीं नहीं जाना अब जपो जपो सीताराम सीताराम जपो जपो राधे श्याम राधे श्याम भी बोला ले लो। वो देखो बीज को कर रहे बीज खाओगे बीज को भी जूस नहीं पियोगे ठीक निकाल दिया उसको कितने टैक्टिस से निकालते थे टैक्टिस नहीं प्रेसिड टेक्निक। अरे अरे गिर गया तुम्हारा बीज। ओ यार शिट यार मैं भी निकाल देता हूं। ईओ मैं प्लीज मत करना बस मेरे ऊपर खराब रख कर अच्छा चले वो फल दे दो और चलते हैं। फल पूरा दे दो इसको बाबा एक बार जब पूरा दे दो ये कटोरी में डाल दो चलो कटोरी में रख दो। हां कटोरी में दे रहा हूं कटोरी में कटोरी में कटोरी में ठीक निकालो निकालो ले लो बाबा जी वो जब जब सीताराम बाबा जी को बोले एक बार बुलवा दें मीठू टके टके टीटे टी एक बार और बुलवा दो गुरुजी सीताराम गुरुजी बाबा जी क्या बोलूं आसंत पर आज एक बार फिर बोलना बोले राम सीता बताना इसको राम सीता बोल दे एक बार। हाँ रिकॉर्ड करने वाले तो चली गई क्या सबको अलग अलग तरीका भय भी नहीं होते ना सॉरी सही बोल दिया बोल दिया बोल तू चलिए एक बार बोल एक बार अब उसको डांट मत पड़ो चलो भैया डंडे से एक ही बार बोल दिया आनंद रखे जब तक रहे तब तक आनंद रखे पूरे परिवार को जय हरे ओम परमात्मा जय हो जय हो जय देखो कभी गुरु महाराज आएंगे संत आएंगे फिर आएंगे साहब के साथ संत परसों तो आज से 4-5 दिन पहले जो बेलखंड में जो कुछ घटना हुआ था जिसमें आपके 2-3 जो फोर्स वाले आए थे आप ही के। अच्छा महाराज उनके साथ एक कुत्ती थी। अच्छा अब जो बाद में हमारे को तो मालूम नहीं पड़ा बोले कि जो हम तो कट्टर विरोधी हैं महाराज हम तो जयपुर राजस्थान के हैं और एक दिल्ली वाले थे एक बनारस के थे तो बोले कि जो हम तो आ गए हमारा जो जिगरी दोस्त है उसको जरा दर्शन करा दे। हमने कहा कि हमको लगा मुसलमान वाली बात बोल रहे हैं तो वो बोले कि जो आप अगर अनुमति दोगे तो हम आएंगे नहीं तो ऐसे नहीं लाएंगे। अच्छा हम कहे कि भाई यहाँ तक जब सब आते हैं
उसके लिए बोल रहे हैं। हाँ हम तो समझे नहीं, बस उसको जैसे नाम का जो बोला उसको झटाका कूचिया वहाँ आ गई। आने के बाद बोला कह रहे कि भगवान के मंदिर में आए हो मैंने प्रणाम पाती नहीं कर गए, यानी शो करके वो कुतिया जैसे प्रणाम किया। अर्ज के बाद में बोला बाबा जी को प्रणाम नहीं करोगे, जैसे हाथ लगा करके जो प्रणाम किया।